कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाप्रदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण आज बड़े खुशी की बात है कि हम लोग भारत के वृंदावन से मथुरा से निकलकर पूर्वी विश्व के मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के बहुत से ऑस्ट्रेलिया के प्राय सभी बड़े बड़े शहरों में और वहाँ से फिर फीसदी में हम लोग आए। यहाँ भी हम लोगों ने नादी में और सुबह में लंबासा में भी कुछ प्रचार कर यहाँ आए हैं। विशेष करके हम हिंदू भारत के प्रवासियों से मिल करके बड़ी खुशी हो रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वो फेस भारतीय जैसे सभी लग रहे हैं। तो एक बातें कहने का अवसर है, इसी मैं कहूँगा। जो तो आज हम लोगों के महाप्रभु के परिकरों में आज अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। आज से 500 वर्ष पहले कृष्णा श्रीमती राधिका जी के प्रेम भाव को लेकर जगत को कुछ प्रेम की शिक्षा देने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए नवदीप धाम में पधारे थे। उनके परिकरों में अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार कहे जाते हैं। आज उनका आविर्भाव ये एक वैदिक सत्य है, नित्य सत्य है। कोई कोई चीज माने या न माने, भगवान है या नहीं, बहुत दूर की बात, किंतु एक चीज सत्य है जिसको सभी धर्मी विधर्मी जो कुछ हुए उसको मानने के लिए बाध्य हैं। इस जगत में मृत्यु जरूर है, इसको डिनाई कोई नहीं कर सकता। इसलिए मृत्यु जरूर जगत में एक सत्य है। और दूसरी बात, इस जगत में ये भी सत्य है कि जो जन्मे हैं मरना तो जरूर पड़ेगा, किंतु उनको जरूर बूढ़ा होना होगा, यदि बच गए तो बूढ़ी होना होगा। और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बुढ़ापे का दुख और संसार में तरह तरह की एक कष्ट हैं, रोग हैं, इसको भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। और ये जगत आया कहां से? बुद्धिमान पुरुष वह है जो यह सोचता है कि ऐसा काम करूं जैसे दिन में कोई दुख ना आए। किंतु उससे भी वो व्यक्ति सुखी है जो ये विचार करता है कि हमारे जीवन में कोई दुख ना आए। और उससे भी वो सुखी है और बुद्धिमान कहलाएगा जो आने वाले जन्मों में भी हम कभी भी दुखी न रहे, सब समय सुखी।
अभी देखिए, अभी जिस स्टेज में आप लोग हैं, हो सकता है कि आप अभी सुखी हो, किंतु एक दिन सबको जरूर बूढ़ा होना होगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी, दांत भी कमजोर हो जाएंगे, केश श्वेत हो जाएंगे, अंत में लकड़ी पकड़ करके चलना पड़ेगा, अंत में यह शरीर छोड़ देगा। जिस समय छोड़ देना पड़ेगा उसमें क्या करेंगे? एक राजा था, बहुत ही धनी मानी, सब प्रकाश सुखी था, उसकी स्त्री भी बहुत बुद्धिमती और बड़ी रूपवती गुणवती थी, वो भी बहुत था, उसके लड़के भी बड़े सुशील थे। एक दिन एक संत आया उनके पास में और कहा, जी मैं राजा से मिलना चाहता हूं। राजा ने कहा, जैसे आया होगा तो कुछ मांगने के लिए आया होगा, आजकल के जितने भी डिवोटीज होते हैं वो मांगने के लिए जाते हैं, इसलिए वो डर गया। कहा, जैसे ये जरूर कुछ मांगने के, कदो कल परसों मिल लेगा, आज समय नहीं, आज मैं बहुत व्यस्त। प्रहरी ने उनको कह दिया, वो लौट गया। वो तीन चार दिन के बाद में फिर आया, फिर राजा ने कहा, जब फिर वही आफत आई, फिर उसको उन्होंने कहा दिया, जैसा फिर पीछे मिल लेना। तो वो राजा से हताश होकर के चला गया रानी के पास में और खबर दिया, महारानी जी मैं एक संत हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। तो पुरुष लोग बड़े हो सकते हैं कि निष्ठुर हों, किंतु पत्नियां उनकी बहुत सुशील होती है। भिक्षा मांगने पर भी मथुरा के ब्राह्मणों ने उन कृष्ण को नहीं खिलाया और उनकी पत्नियों ने थाल में परोस करके भर भर करके कृष्ण के पास दिए। पीछे वो पछताने लगे कि हमारी विद्या को अधिकार है, हमारे ब्राह्मण होने का अधिकार है, यज्ञ करने का अधिकार है, ये स्त्रियां कुछ भी नहीं जान करके कृष्ण की इतनी सेवा की और हम लोग ऐसे दुर्भाग्य जो उस कृष्ण परब्रह्म से वंचित रह गए। इसलिए रानी के पास में गया, रानी ने बहुत जल्दी से जाओ जल्दी से बुला लो और उसका आसन देकर के बैठाया, बड़े प्रेम से पूछा, जी महात्मा जी आप क्या चाहते हैं? कल मैं कुछ चाहता नहीं, मैं भगवत भजन करता हूँ, किंतु साथ साथ में मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर कुछ जानता हूँ, ये सब हाथ देखना रेखाएं जानना जानता हूँ। मैंने विचार किया, ये राजा बहुत ही भले आदमी है, किंतु 15 दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए आपको सूचित करने के लिए आया, राजा ने अवकाश नहीं दिया यह, इसलिए आपको कहने के लिए राजा, ये अब 15 दिन में से 5 दिन तो निकल गए, अब 10 दिन बाकी है, इसमें इनको मरना है, इसलिए जो कुछ करना है आप प्रस्तुत होकर के कर लीजिए। रानी घबरा गई और राजा को बुलवाया, इनसे तो महात्मा जी से तो नहीं मिल सका, किंतु रानी के ऑर्डर को वो डिनाई नहीं कर सका। वो आया क्या, और इतने में ये तो महात्मा जी तो वहां से चंपट हो गए, चले गए। वो राजा आया, किसने मुख को जल्दी से बुलाया, तो एक महात्मा आया, वो कह रहा था कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, भगवत भजन करता हूँ, तो ये राजा जी अब 10 दिन के अंदर में मिल जाएंगे, मरेंगे अवश्य मरेंगे, और ये कहकर तो चला गया, जो कुछ करना है कर लो। उन्होंने कहा, क्या करें, गलती की, मैंने उससे मिला नहीं, ढूंढवाया तो देखो सिर्फ मुंडन होगा, यहाँ पर कुंड होगा, गले में तुलसी होगी, हाथ में माला होगा, हरि नाम करता होगा, जल्दी से ढूंढा, गौर वर्ण का होगा, गोराय रंग का बुला, खोजते खोजते नदी के किनारे देखा, जो वो बैठा था उसको बुला लाया। महात्मा जी आपने ये कहा जी मैं मर जाऊंगा 10 दिन में, तो जरूर मरेंगे, गारंटी है, हमको यहीं पर रख दीजिए बंद करके, और देखिए जरूर आप, कोई भी बचा नहीं सकता, विश्व में ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो बचा दे। और तो राजा घबरा गया, जी क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, यही तो मैं कहने आया था, जिम चित जाओ तुम, जो कुछ करना है कर लो। राजा घबरा गया, उन्होंने कहा, जी घबराने की तो जरूरत नहीं है, तुमने जीवन में बहुत पुण्य कार्य, माता पिता की सेवा की है, गरीबों की सहायता की है, और भी किया है, इन तो थोड़ी सी गलतियां हुई हैं, तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, मैं ये भी देख रहा हूं, स्वर्ग में जाओगे
और वहां पर सब प्रकार की सुविधाएं तुम्हारे लिए मिलेगी, जो यहाँ पर सुख नहीं है उससे और अधिक सुख मिलेगा। किंतु एक बात है, जो वहां पर आजकल मच्छर हो गए हैं इसी प्रकार से, बड़े बड़े इंडिया से वो लोग चले गए हैं, काजने कैसे वो लोग, और वहां पर बड़े बड़े काले काले हैं, जिसको डस्ट देंगे उसको मच्छर, ये मलेरिया बुखार हो जाता है, और मलेरिया बुखार होता नहीं है, वो लेकर के ही प्राण जाता है। सो आप ऐसा कीजिए कि वहां पर मच्छरदानी भी बड़ी सुंदर है, सब कुछ है, किंतु एक मच्छरदानी जो आपके मिलेगी, जो बेड पर रहेगा उसमें कोने में थोड़ा सा कटा हुआ है, वहां पर सुई और धागा नहीं, बाकी सब कुछ है। आप यहाँ से थोड़ा सा एक सुई सुई धागा समझते हैं, लिटिल एंड थ्रेड, यहाँ से ले जाए, और बाकी वहां पर सब कुछ आपको। मैं कैसे ले जा सकता सुई धागा, तो तुमने सारा जीवन क्या किया, किया जाए सुई धागा भी नहीं ले जा सकता है तो क्या ले जाएगा। इतना जो कमाया, कमाई का इतना, तुम्हारे इतना बड़ा राज्य, उसमें बड़े बड़ी फैक्ट्रियां थी, और क्या था, तुम्हारे कितने सब मैनेजर और ये सब क्या क्या थे, इतनी अपार संपत्ति, और तुम सुई धागा नहीं ले जा सकते। अभी हम गए थे उनके फैक्ट्री में, देखा जो सोप बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, चावल बन रहे हैं, दाल बन रहा है, अपने जीवन की सारी आवश्यकताएं इनकी फैक्ट्री में, देखा मैनेजर तो गिनते गिनते मैं थक गया, जी कितने मैनेजर हैं। मैंने पूछा जी भाई डायरेक्टर कौन है। तो इतना वैभव में से तुम एक निडल और थ्रेड नहीं लेकर की जा सकता तो क्या ले जा सकता है, किस लिए किया ये? इतना जीवन जो बर्बाद किया किस लिए, जो नहीं, अरे बुद्धिमान है जो आगे की भी चिंता करे, तुम इसकी चिंता क्यों नहीं किया। तुमने देखा नहीं है तुम्हारे पिताजी मर गए, पिताजी के पिताजी मर गए, वो भी कुछ साथ नहीं ले जा सके, उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो तुमने उसको जला दिया, विचार तो करो। आज अब तो मैं आपके चरणों में अब पड़ा, आप ही हमको बताइए मुझे क्या करना। अच्छा तो ठीक है, मेरी बात मानेगा, तो हाँ देखो भगवान का नाम को, हरे कृष्ण 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 उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम मरा मरा जप करके ही वाल्मीकि ब्रह्म के समान माने, जीवन मरण से अतीत हो गए, सर्वत्र उनकी गति है, कभी भी उनको मरना नहीं है, कभी भी उनको कोई दुख नाम की कैलेमिटी, कोई भी डेथ फेथ कुछ नहीं, उस स्थिति को ला, इसलिए तुम भगवान का नाम करो, ये बस और कुछ तुमको कुछ नहीं करना है, बस कह करके चले गए। और देखा तो उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, कुछ नहीं, वो सर शरीर ही एकदम सर सर बैकुंठ लोक को पहुंच गए, इस जगत की तो छोड़ना ही, और स्वर्ग में जाकर के फिर वहां से लौटना पड़ता है, और उनको लौटने की जरूरत नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करप विचार सुजन मन माही, नाम लेते भव सिंधु सुख जाए, भव माने क्या है, भव माने होना, क्या होना, पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण, ऐसा कोई जगत में है जो मरेगा नहीं, अवश्य नहीं। इसलिए बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो अपना लोक पर लोक सभी संवार जाता है, बना जाता है। यह समझिए कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग ये शरीर, हम लोग हैं क्या, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इस चीज को कोई पुरुष होकर के आए, कोई स्त्री, कोई गोरा, कोई काला, कोई मछली, कोई पेड़, कोई कुछ, अपने कर्मों की वजह से हुए, किंतु यथार्थ में हम ट्रांसडेंटल हैं, नित्य है सब, हमारा जन्म मरण नहीं है। जिन चीजों को आप देख रहे हैं इनमें परिवर्तन और ध्वंस है, किंतु एक ऐसी दृष्टि है जो हमारे गुरु वर्गों से मिलती है, जो कृष्ण से आती है, जगत गुरु कृष्ण से आती है। कैसे आती है, गुरु परंपरा की धारा से। इस जगत में भी
किसी से सीखना पड़ेगा। हमने इन लोगों से पूछा पूंजा ब्रदर से, ये आप लोगों ने ये सब बिजनेस कहां से सीखा, सीखा कहां से? और ये फादर से सीखा, उनके ऋणी है ना, वो कहां से सीखे होंगे? उन्होंने जो सीखा वो कहां से सीखा? इस तरह से गुरु परंपरा की धारा होती है, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। ये जगत के संबंध में जो ज्ञान है जो नष्ट हो जाते हैं, जो असल चीज को देंगे नहीं, सांसारिक सुखों को, वो तो रह जाएगा खाली इस चीज को। इसलिए बुद्धिमान पुरुष हैं जो इसको करते हुए भी ये समझें कि हम लोग नित्य सनातन तत्व आत्मा है जो भगवान का अंश है। ये भगवान ही जगत को स्थिर रखे, ये मैनेजमेंट जो है मूल उनके हाथों में है। उनके बिना ये समुद्र में ज्वारभाटा नहीं आएगी, सूर्य नहीं उग सकते। वो एक एक मिनट में एक एक बार अपनी चाल को बदलते हैं, कभी एक एक मिनट कम में उगते हैं, कभी एक एक मिनट बाद उगते हैं। ये सब हम लोगों को कर्मों का नियंत्रण करते हैं, इसलिए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसलिए इनको जरूर मानिए। उनको भूलने की वजह से हमारी ये दशा है, कुछ अच्छे कर्म किए बस उसमें भोग रहे हैं। अच्छा, कुछ देर के बाद में फिर आप जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को, वो विश्व विजय करना चाहता था, कुछ विजय भी किया और अंत में मित्र सेनाओं के साथ में ऐसे पड़ा, समुद्र से बांध करके जेल में बंद करके और समुद्र में डुबा दिया। हिटलर का तो आप लोग जानते ही हैं, हमारे इतिहास में रावण को जानते हैं सोने की लंका, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती और विमान की जरूरत नहीं, शरीर ही जहां से जहां तहां चला जाए। हिरण्यकश्यपु न दिन में मरे न रात में मरे और सब समय जुआ अवस्था, वज्र जैसा शरीर हो, मरण उसका ही नहीं है, कहां गया वो सब? एक क्षण के अंदर में हिरण्यकश्यपु ने उसको। इसलिए कल के लिए सोचिए आप लोग भी, आप लोग ये मत समझिए जो सुखी हैं, तो अभी ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कोई ना कोई रोग न हो। और सबसे बड़ा ये रोग है जो बुढ़ापे की तरफ में हम बढ़ रहे हैं। कल के लिए सोचिए, परसों के लिए सोचिए, अब बुद्धिमत्ता है। यही हमारे भारतीय संस का ये संदेश है, तमसार मां ज्योतिर्गमय। ये जगत में जो चल रहे हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं, ये तमसा अंधकार है। कहां जा रहे हैं कोई पता नहीं, समझ रहे हैं कि यही सुख है, किंतु यह सुख नहीं है भाई। कुछ दिनों के लिए क्षणिक सुख है, कुछ क्षणिक समय के लिए यह सौंदर्य है, यह बल है, एक न एक दिन ये जाएगा। इस पर खूब अच्छी तरह से विचार करें। इसलिए अपन जीवन के अंत तक, और जब ये जीवात्मा अमर अजर अमर है, तो ये कैसे नित्य काल के लिए सुखी हो सकेगा, इसके लिए विचार करना है। यही परम बुद्धिमत्ता है। भारत माने क्या? भारत एक जमीन नहीं है, भारत एक थ्योरी है, एक विचारधारा है। भारत, भारतीय जितने भी शब्द हैं, चाहे गुजराती हो, बंगाली हो, चाहे कोई भी हो, संस्कृत, संस्कृत से शब्द निकले हैं, इसका कोई ना कुछ अर्थ होता है। भारत, भा माने प्रकाश, रत माने उसमें लगना, भारत माने जहां पर ज्ञान का इतना विकास है, आत्मज्ञान का, भगवत तत्व ज्ञान का, जो उसको जो छू देता है, थोड़ा सा स्पर्श कर देता है, अजर अमर हो जाता है, इतना प्रकाश। वो प्रकाश क्या है? हम सब भगवान के नित्य दास हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। संस्कृत में मवई वांसो जीव लोके जीव दस, एक गीता है। हमारे वेदों में ऐसा कहा गया, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम आनंदमय अभ्यासात इत्यादि वेदांत सूत्रों वेदों में कहा। हम नित्य के संतान हैं, हम प्रभु के संतान हैं। हम उनको भूल कर, जैसे पिता को भूल
इधर उधर भटक रहा हूं। ऐसे में अपने परम पिता, परम गुरु, परम सुहृद, परम मित्र, उनको हम भूल करके इस संसार में जन्म मरण नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों, आप लोग भारतवासी विशेष गंभीर चीजों को समझेंगे, अपने घर का काम कीजिए खूब अच्छी तरह से, कोई भी बात नहीं, किंतु कुछ भगवत भाव मिलाकर के करेंगे, नास्तिक नहीं। ईश्वर अनास्ति, वेद अनास्ति, ऐसा नहीं। हम देखते नहीं है इसलिए मानेंगे नहीं, कहां है भगवान, कहां देखते हैं। अरे तुम तो अपने पितर में नहीं देख सकते, आंखें तुम्हारी आंखें, तुम अपनी आंख कोई नहीं देख सकते, और की तो बात किया। ये आंखें बिना सूर्य के या किसी चीज के लाइट के ये नहीं देख सकती कोई भी चीज, कुछ लेना पड़ेगा उसके सहायता से ये देखेगी, ये क्या देखेगी, और अंत में इसकी रोशनी नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे नहीं देखा। एक आदमी ने हमारे गुरु जी से प्रश्न किया, हम लोग ट्रेन सफर कर रहे थे गुरु जी के साथ में, भगवान को कहां कोई देखा है जो आप लोग भगवान 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 कर रहे हैं, ये तो सेंटिमेंटल लोगों ने भगवान शब्द की सृष्टि की है, ये हम लोगों ने सृष्टि की भगवान को, भगवान ने हमको नहीं। जितने डरपोक आदमी थे, एक मान लिया जी भगवान, ये सेंटिमेंटल, भगवान कहां है कोई देखता है। गुरु जी ने कहा जो तुम जो देखता है वही मानता है, अब हाँ हम तो वही मानेंगे और दूसरा कुछ नहीं मानते, तुम सब मानता है कैसे। अच्छा बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो उन्होंने पूछा जी, बोला बोला जी मेरे पिताजी का नाम राम मूर्ति या कुछ कहा। अच्छा तुम ऐसा कोई प्रूफ दो जो तुमने देखा जैसे यही तुम्हारे पिता है, कोई प्रूफ है इसका जो हमारे पिता वही है, कोई कह सकता है हाथ उठा करके, यदि मैया ने झूठ बोल दिया तो। अरे तुम तो उसके बहुत दिन के बाद में निकले, उस समय माता पिता का जब संयोग से तुम पैदा हो, जो बीज पड़ा उस समय तुम था, इसलिए गलत बात है यह कहना। मैया ने कहा, मैया के बाद तो विश्वास करना पड़ेगा यहां वही तुम्हारे बाप है, और यदि मैया ने गलत कह दिया तो माया मैया पर विश्वास नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे क्या कहेंगे उसको। तो इसलिए कुछ ऐसी ट्रूथ है, फंडामेंटल ट्रूथ जो फंडामेंटल है, इसलिए इस विश्व का सृजन करने बनाने वाला सब कुछ ये कृष्ण है, राम इत्यादि अलग नहीं है, उन्हीं के एक भाव से उनको देखा जाता है, उपासना के तारतम्य से। ये सब चीजें इन आंखों से नहीं दिखेंगे, इसके लिए गुरु की जरूरत है, संसारी आदमी नहीं देख सकता, उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना। आप बतला सकते हैं कि यहाँ आग है कि नहीं बेटी, यहाँ आग है तू बतला तो, नहीं है ना, आग है तुम्हारे पेट में भी आ गए शरीर में, नहीं तो तुम हजम नहीं कर सकते। अभी कोई चीज को लेकर के रगड़ देना, आग निकल जाएगी। यदि माचिस होगी तो ऐसा कर दो फिर, भैया वो क्या एक होता है ना, देखा सर्वत्र आग है, ऐसा कोई चीज नहीं है जहां आग नहीं है। ऐसे ब्रह्म व्यापक है, भगवान व्यापक है, हम देख नहीं पाते, अणु अणु में परमाणु में वो है, वो हमारा सब कुछ जानता है, हम उसे नहीं जानते। इसलिए भाइयों, इस हमारे वैदिक शब्द में, हमारे वेद उपनिषद गीता रामायण हमारी माताएं हैं, माताएं झूठ बोल देंगी, गीता भागवत रामायण ये झूठ कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये भगवान के मुखार के बिंद की बात है। ये तुलसी की रामायण मत समझना, ये तुलसीदास जी ने लिख दिया, क्या लिखा उन्होंने, भगवान ने अपने ज्ञान की प्रेरणा दी और प्रेरणा देने से उन्होंने लिखा, अपने नहीं, उनके गुरु के माध्यम से वो ज्ञान है। वाल्मीकि जी को नारद जी ने दिया, नारद को कहां आया, ब्रह्मा से आया, ब्रह्मा जी को किसने दिया, स्वयं कृष्ण। इस तरह से इन चीजों को समझना चाहिए, इसलिए विचार करके और आगे देखिए कल क्या होगा। अभी हमारे एक शिष्य इंग्लैंड में गए, वहां पर करोड़ों रुपए उनके दैनिक आमदनी है उस बड़ी कंपनी के, उन्होंने कहा जी इतना जो कमाते हैं
आपके मरने के बाद में क्या होगा, दोनों हाथ से पकड़ लिया शिव। मैंने कभी सोचा नहीं भाई, मैं तो पागल हो गया, मैं क्या करूं, मरना तो जोर पड़ेगा, उस समय क्या होगा, मैं कोई विचार ही नहीं, पागल जैसे हो गए। आप लोग ऐसा मत होएंगे, पहले से विचार करके कीजिए। इसलिए जब इसे ये ज्ञान है हुआ, तभी से इस विषय का अनुसंधान करें, जीवन में कैसे सुखी रह सकते। जीवन में सुखी रहना एक कला है, ये बिना बिन सत्संग न पाव ही प्राणी, बिना सत्संग के नहीं। अपने ज्ञान को सीमित समझेंगे, यह ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नहीं है, लौकिक ज्ञान है, इसका अभी पागल हो जाएंगे सब खत्म हो जाएगा, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। आंखें हैं नहीं भी रह सकती हैं, कोई अत्यंत सुंदर शरीर है, हो सकता है कि वो लुंज पुंज हो जाए। इसलिए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, इसलिए भारत है ये दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान वहां पर, और वो कैसे है, इतना सहज और सरल है कि जैसा आपका भाव है वैसे उनको सरेंडर कर दीजिए, प्रभु मैं तुम्हारा हूं, आप मेरे, कुछ नहीं करना है। मुसलमानों को 10 बार उठना और बैठना पड़ता है, नमाज पढ़ना होता है, परिश्रम, किंतु हमारे यहां उठो बैठो भी मत, जहां पलंग पर बैठो जैसे बैठो हो, प्रभु का एक बार राम नाम कृष्ण नाम कर, बस सब। यदि हृदय से नहीं आता तो ऐसे भी कह दो। इसकी प्राचीन उपाख्याने हैं हमारे वेदों में, उपनिषदों में, भागवत में, अजामिल कैसा, ये हमारे वाल्मीकि जी कैसे, और एक उल्टा नाम हुआ मरा कहने से, अब देखिए हो गया राम राम। इसलिए इसको साधारण चीज मत समझें, इसलिए सभी काम कीजिए, सवेरे एक बार हाथ जोड़ करके प्रभु, प्रभु मैं आपको देख नहीं पाता, बहुत अज्ञानी, आप मुझ पर, बस इतना ही कहना है। आप माला जो फेरेंगे यही कोई जरूरी नहीं है, ये तो पीछे देखा जाएगा, पहले ऐसा तो विश्वास तो कीजिए जो प्रभु हैं और हमको कंट्रोल करते हैं, तो हमारे ऊपर बड़े दयालु हैं, भगवान निराकार है ऐसा मत सोचेंगे, वो नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ऐसा नहीं। अरे क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा है क्या, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, जब उनका अपना ही इमेज नहीं है तो कहां से क्रिएट करेंगे। इन्ना अल्लाह का खला का मैन सूरत ही, उनके कुरान में भी ऐसे, कुरान से क्या, अपने सूरत के अनुसार उन्होंने बनाया इसको, मनुष्य को, ऐसा कोई नहीं, किंतु उस थोड़े विचार नहीं कर पाते। हमारे सनातन धर्म में, वेदों में से लेकर के अब तक इसके ज्वलन सब उदाहरण और प्रमाण है। इसलिए प्रभु पर ऊपर में विश्वास रखेंगे, नास्तिक मत बनेंगे, ये जगत ही सब सुख का कारण है ऐसा मत समझेंगे, ये तो जीवन निर्वाह करने की एक कला है, उसमें फंस न जाएंगे, उनको स्मरण करेंगे बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक पैसा खर्च नहीं है, कैसे कहे, एक पैसा का भी कोई खर्च नहीं है, एनर्जी भी नहीं जानी है, कोई भी एनर्जी, आपका समय नष्ट नहीं होगा, आप कहेंगे हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, तो आप लोग तो भारत के हैं, तेली जानते हैं किसको कहते थे, तेली जो तेल पेरते थे, कलबू लगा करके बैलों को ठोली लगा करके तेल पेरते थे, तेल निकलता था, आज जैसा खटिया तेल नहीं, उस तेल को यहाँ पर थोड़ा सा रखने से ही आंसू आ जाते, और इतना सुगंध है आजकल का घी भी उस तेल को, आजकल तेल ही नहीं है, तो तेली वो तेल फेरता था दिन भर, हाट 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 उस पर बैठ करके और घुमाता था, समय नहीं। एक दिन नारायण ने, अरे भले मानुष तो दिन भर हाट हाट करता है, बैल चला करके और तेल फेरता है, अरे एक बार भगवान का नाम तो कर, राम नाम तो कर। क्या महाराज जी कहूं, मैं जानता हूं कि अच्छी चीज है किंतु मैं कर नहीं पाता, मुझे समय नहीं है, ये मैं कष्ट, समय नहीं है, तू खाता है, तू टट्टी जाता है, पेशाब करता है, तुमको समय नहीं मिलता है, तो उस समय करने से होगा तो जरूर होगा,
अच्छा ताज मैट्रिक करने के समय में जाऊंगा जंगल में, उस समय में जरूर कर लूंगा। तो बस समय तो और नहीं मिला, टट्टी समय लोटा उठाया भारतीय, जैसे कि बाथरूम जो होता है ना स्वाभाविक, इंटरनेशनल बाथरूम में हो गया मैदान में, और वहां पर टट्टी करते समय राम राम दो तीन बार किया। किंतु एक नियम है, जहां राम नाम होगा वह हनुमान जी जरूर पहुंच जाएंगे। चाहे करोड़ आदमी एक साथ टट्टी बैठे हैं या नाम इधर उधर कर रहे हैं रामायण भर, सब जगह एक एक शरीर धारण करके वो पहुंच जाते हैं। तो वहां भी पहुंच गए, देखा ये तो बड़ा बदमाश तेली, ये स्नान करके नहीं कर रहा है, ये टट्टी करते हुए अपवित्र होकर के ये कर रहा है। उन्होंने उठाया और एक लात जम करके दिया, लात ऐसी दी जो कुंभकर्ण को लगते हैं वो गिर गया, और रावण भी गिर गया, दसों मुख में मट्टी भर गई वो गिर गया, मेघनाथ गिर गए, कोई बचा नहीं। और ये तिली हरे कृष्ण कहते हुए, हरे राम राम कहते हुए शौच किया और आराम के साथ में चला गया। अजी क्या बात हुई, इसको मैंने इतने जोर से मारा ये, इसको कुछ नहीं हुआ, क्या बात हुई, बहुत चिंतित रहे और आराम के साथ वो चला गया राम राम करता हुआ। थोड़ी देर के बाद में जब शाम हुई तो राम ये हनुमान जी राम के दरबार में पहुंचे और वहां पर सेवा करने के लिए उपस्थित हुए। जब वहां पर गए तो देखा जहाज राम कमर पर हाथ रखे हुए ओह आह कर रहे। हनुमान जी ने कहा जी प्रभु आज जो आपको क्या हो गया, तो तुमने आज ऐसी जो जम करके हमारे पीठ की धुलाई की, मेरे रीढ़ और पसली एक हो गई, तो मैं प्रभु आपको मैं लात से मारूंगा, तो तुम नहीं तो कौन मारा। अरे तेली जबकि मेरा नाम कर रहा था, नाम और नामी दोनों एक है, नाम और दयालु है, मेरा स्वरूप ही नाम है, अभी गधा कहने से गधा नहीं आ जाएगा, किंतु राम कहने से कृष्ण कहने से साथ ही साथ वो कहां नहीं है, इसलिए जरूर आ जाते हैं। तो मैं वहां चढ़, जब उसने राम किया और मैं पहुंच गया, और तुमने जो लात मारी वो हमारे पीठ पर पड़ी, उसके पीठ पर नहीं, इसलिए उसका कुछ नहीं हुआ, किंतु हमारी तो पीठ एकदम ये हो गई, रीढ़ भी टूट गई। हनुमान जी बोले जे प्रभु आज से मैं कान पकड़ता हूं, कभी कोई भी किसी अवस्था में भी भगवान का नाम मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। तो ये समझिए भगवान का नाम भगवान से भी दयालु है। आप ऑफिस में हैं और कोई नहीं वहां पर है, कर ले तो क्या हर्ज है, ठीक है पलंग पर आए सोने जा रहे हो, प्रसाद पा लिया हो, सोने का समय है, और उस समय क्या चिंता करेंगे, ऑफिस में ये काम हुआ, यहाँ पर गड़बड़ी है, यहाँ पर ये ठीक करना है, वहां पर माल भेजना है, यहाँ पर माल प्रोडक्ट करना है, ये करना है, वो करना है। यदि वकील है तो सब जितने आपके क्लाइंट के जितने हैं फाइल आपके दिमाग में घूम रही है। टीचर है तो और सब कुछ प्रॉब्लम, घर में रसोई की कोई पत्नी है तो रसोई की चिंता हो रही है, कल कहां से क्या चीज आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। और हमारे पति एक फेंटर रख लिया, अब ये समस्या मैं क्या करूं, वो कभी दूसरी औरत को प्यार करते हैं, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, ये नहीं सह सकती, मैं तो किरासन तेल या कोई चीज डाल करके स्पिरिट में जल मरूंगी, बड़ी भारी समस्या। पति ने देखा जैसे आ रही, ये तो बहुत प्यार ऊपर से करते हैं, किंतु इसका एक बॉयफ्रेंड है, देखते ऊपर से बस खूब लोग सुखी शांति से हैं, किंतु ऐसा कोई है नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं। किंतु उसी समय में ये सब प्रॉब्लम रहे एक बार तो बड़े प्यार के साथ में हरे कृष्ण सो जाओ, गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी खाने के लिए, ये चिंता नहीं करने की एक लड़की हमारी में शादी में हमने 10 लाख रुपए खर्च किया और हमारी 5 लड़कियां रात में नींद आएगी, नहीं आ सकती। आजकल बहुत कसम चल रहा है, कसम नौकरी नहीं मिलती, भारत में तो नौकरी मिलना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए आप लोग इधर में आ गए, आपके पूर्वज लोग भी इसीलिए आए, मैं जानता हूं ने?
वहां के शहर में कलकत्ते में ही जितने आदमी हैं, यह सारा फिजी मिलकर के ही नहीं, सारा ऑस्ट्रेलिया मिलकर के नहीं है। इसलिए बड़ी समस्या थी, इसलिए आप लोग छिटक फिटक करके हमसे घर में आ गए। आप लोग छिटक सकते हैं, हम लोग नहीं छिटके। हम जहां आप लोग रहेंगे वहीं पर जाएंगे और आपको याद दिलाएंगे। इसलिए हम भारत से यही संदेश लेकर गए हैं, चलते फिरते उठते बैठते जहां कहीं भी आपको समय मिल जाए, प्रभु को नाम लेने में कोई एनर्जी नहीं लगती, खर्च नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। हम आप लोगों से पैसा नहीं लेने आए, ये समझ रखिए। हम अपनी संपत्ति को, ये ज्ञान आप लोगों को देने के लिए आए। इसलिए जहां हम जाते हैं कह देते हैं भैया, जब देखो हम इस्कॉन वाले नहीं आए, इस्कॉन से नहीं, इस्कॉन के गुरु जो थे वो हमारे गुरु जी के शिष्य थे, हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य थे। किंतु अब ये लोग थोड़ा कुछ डिरेल्ड हो रहे हैं, उनको पैसा चाहिए। हम लोग पैसे के नहीं, हम एक संपत्ति देने के लिए आए हैं। उस संपत्ति का एक थोड़ा सा भी अंश आप लोगों को मिल जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए हम आए। इसलिए हम पर आप लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं कुछ लेने के लिए थी, आप लोगों का जीवन सुखी बनाने के लिए, भारतीय संदेश देने के लिए आया। मां तमसा ज्योतिर्गमय, अंधकार की तरफ में मत जाओ। ये अंधकार है, ये सब मोह है। मोह, मोह से निकल करके ड्यूटी में आइए। अपने पत्नी को देखिए, ये भगवान की प्यारी है। बच्चों को देखिए, क्या ये भगवान के प्यारे हैं, उनके अंश हैं, मैं भी वही हूं। इसलिए उनका सपोर्ट कीजिए, पालन पोषण कीजिए, उनको अच्छी तरह से ज्ञान में ले जाइए, भगवत भक्ति उनको दीजिए। ये आजकल की शिक्षाएं हमें कहां पतन में ले जा रही है। आजकल देखते हैं कि सिगरेट पीते हैं वही हमारे प्रिंसिपल और प्रोफेसर और टीचर ही, वो क्या शिक्षा दे, उनका चरित्र ही नहीं अच्छा है, वो क्या देंगे। इसलिए ऐसी परंपराएं हैं, इसमें संत लोग जो है, जो भजन किए हैं, उनकी बातों को मान करके थोड़ा सा चलिए। यह राजनीति जब तक धर्म नीति के द्वारा संचालित नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगी, जगत का विनाश करेगी। पहले ऐसा था, राजनीति धर्म नीति के द्वारा शासित होती और सब जगत का कल्याण, वो राम राज्य होता था। तो आप लोग भी राम राज्य में रहिए। राष्ट्र तो ऐसा नहीं हो सकता, व्यक्तिगत हो सकते। इसलिए आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज से हमारा प्रवचन होगा कोई विष्णु मंदिर लटोका में, आप अनाउंस कर देंगे तो आप लोग सभी लोग वहां पर जाएंगे। हिंदी में बोलूंगा, दरिया का मत भेजे, प्रणामी अंत में आरती जब होगी तो प्रणामी एक एक पैसा या एक एक डॉलर दे। नहीं नहीं, कुछ नहीं देना पड़ेगा, कोई डरने की जरूरत। आप लोग आएंगे और स्वच्छंद हृदय से आएंगे, इसको सुनेंगे, अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको पालन करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं अपनी टोकरी भरी हुई फिर वृंदावन में ले जाऊंगा। मैं सस्ते में बेचने की चेष्टा करूंगा, किंतु यदि कोई आजकल दूध नहीं बिकता है और घर घर में वहां दुकान पर मदिरा बिक जाता है, लाइन लगी जाती है एकदम। हमारे बच्चे आज इंडिया में भी कोको कोला सीख रहे हैं, दूध नहीं पीते, कोको कोला फेंक देंगे, दूध फेंक देंगे, कोको कोला कहीं मैया से मांगेंगे। तो वैसे ही आप लोग इस धारा में आइए, भजन कीजिए, अपने घर की चीजें आप ही के पास में रहेंगी, आपका जीवन सुखमय होगा। अद्वैताचार्य जी से देने के लिए आए थे, आज उन्हीं का आविर्भाव तिथि है, आज उनके चरणों में हम श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली, जाओ हमारी बाल
बेटा बहुत गुड़ खाता था, उसके बड़े फोड़े फुंसी निकल आए थे, सारे शरीर में फोड़े फुंसी, बहुत कष्ट बेटे को होता था। पिता बहुत तरह से समझाता था, बेटा मैया समझाती थी जो तू गुड़ मत खा, नहीं तो ये तू मर जाएगा, इतना कष्ट तुमको हो रहा है, चारों तरफ में फोड़े फुंसियां होंगे। नहीं माना वो, वो अपने गुरु के पास में गए, उस बेटे को ले गए। गुरु जी आप तो सिद्ध महात्मा हैं, आप जरा कह दीजिए, हमारे बेटे को समझा दीजिए गुरु न खाने तो ये इसको फाड़ फुंसी बहुत हो रहे हैं। तो उन्होंने कुछ सोचा गुरु जी ने और कहा जी परसों ले आ, तो परसों ले गए। तो परसों उन्होंने बेटे से कहा समझा करके, बेटे मीठा खाने से तुमको फोड़े फुंसियां हो रही हैं और बहुत कष्ट में, इसलिए तू आज से छोड़ देना मत खाना, ठीक है? तो उसने कहा जब ठीक है, और सचमुच में छोड़ दिया। दो तीन दिन के बाद में वो ठीक होने लगा, धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके पिताजी गुरु जी के पास में गए, गुरु जी से कहा जी गुरु जी आप पहले दिन ही क्यों नहीं खा दिए जो दो दिन की देरी लगाई, वो तो अब ठीक हो रहा है। उन्होंने कहा जी देखो खाने से ही नहीं होता, कहीं पढ़ने से ही नहीं होगा, कैसे होगा? उस दिन तक मैं गुड़ खाता था, मिठाई खाता था, इसलिए मैं खुद ही खाता हूँ, और फिर कहूंगा तो मेरी बात नहीं मानेगा, बात कब मानेगा? जब मैं जिसको प्रैक्टिस करता हूँ उसमें सिद्ध हो चुका हूँ, इसलिए भगवान का नाम ट्रांसडेंटल नाम है, पुस्तकों में पढ़ लिया वो भगवान का नाम नहीं होगा, नहीं होगा, वो शब्द ब्रह्म नहीं है, कहीं किसी ने ऐसे चलते कह दिया सुनिया राम रा, अरे वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा कहा देखो कैसे हो गए, और हम लोग सीधा ही कहते हैं कहाँ हो रहा है, मतलब क्या है? कोई ऐसा सिद्ध हो जो इस नाम करके सिद्ध हो, जिसको पक्का विश्वास है भगवान के नाम करने से हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाए, ये जगत के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे पर जगत के भी, और इसी से हम नित्य सुखी होंगे, इसकी अनुभूति जिसने कर सका है उसके यहां से शुद्ध ब्रह्म शब्द ब्रह्म नाम लेना तब इसमें होगा, यही रहस्य है। नहीं तो जहां तहां जैसे तैसे गली में इधर उधर सुन लिया, सिनेमा में सुन लिया, रामायण अभी देख लिया, अभी आप लोगों के सागर का रामायण आया था आपके यहाँ, तो उसे कितने आदमी चेंज हुए, हो सकता है कि सुनने के समय रो दिए हूँ, चेंज कितने हुए, ये होना मुश्किल। नारद जी ने अजामी जैसे लोग को और उनको वाल्मीकि को सब कुछ चेंज कर दिया, तो वैसे कोई सिद्ध हो नाम शुद्ध करने वाले हो, भगवान के चरणों में जिनका प्रेम हो, भगवान का साक्षात नहीं करने वाले नहीं है तो करने वाले हो, अभी योग्य बन रहे हैं ऐसे हो, जब वहां पर सुनेंगे तो ये पुष्ट शब्द ब्रह्म आपके लिए। अभी हम लोग नाम करते हैं, बीड़ी सिगरेट धुआं कसते हैं, कोई मांस भी खाते हैं, मांस मैंने क्या, मांस मांग मैंने मुझे खादती, वो खाएगा जिसे हम अभी खा रहे हैं, अभी बकरी खा रहे हैं बकरी आपको खाएगी, आप अभी मछली खा रहे हैं मछली भी आपको खाएंगी, जरूर खाएंगे, मीट MEAT जिसे हम अभी खा रहे हैं वो हमको मी हमको खाएगी, ये समझिए पक्का सिद्धांत, कोई उसे हमें रोक नहीं सकता, इसलिए इन चीजों पर ध्यान रखते हुए ऐसे सदगुरु ऐसे लोगों की बात सुनकर वो आपका जगत का कुछ भी नहीं चाहेगा, आपको चाहेगा ये देना चाहिए, इसलिए समझ बूझ करके ऐसे तैसे राम राम कहने से भी नहीं होगा, मन ना रंगायो रंगाए योगी कपड़े, केवल कपड़े रंगाने से तिलक और ये से गले में माला से नहीं होगा, उसे बहुत से ठग रावण ने दंड में हमारा जैसा संन्यास बनाया, हम तो कपड़े भी पहने वो कपड़ा नहीं, केवल रुद्राक्ष पहन करके दंड लेकर के वो क्या भिक्षांग दे
भिक्षांग दे, और फिर क्या बोला भिक्षांग दे। नहीं देगी तुम्हारा तुम्हारा पति नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा यदि हमारे पास नहीं जाएगा भिक्षा। तो ऐसे ऐसे नहीं होगा, सचमुच में जिसको हत्या दे, जैसे अनुभूति हो, जिसकी शब्दों में दम हो, उससे लेकर के और सहायता लेकर के उससे गाइडेंस में हरी नाम थोड़े ही दिन भर करने की भी जरूरत नहीं। इसलिए आज समय आज यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। यदि हमारी कोई कड़ी और रुखड़ी बातें हो गई हैं, इफ आई हैव टोल्ड सो हॉर्स यू कैन फॉरगिव मी, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। और यदि अच्छी कोई बात है तो आप लोग उसको गौर प्रमाण। आप लोगों को प्रसाद सबकी व्यवस्था किए हैं शायद, आप लोग प्रसाद पाइए और मुझे आदेश दीजिए, मैं भी प्रसाद ले। I'm trying to get the temple behind you.
चरणों में भी अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं पश्चात देशों में पूर्वीय देशों में सनातन धर्म का प्रचार कर पश्चात उपस्थित सज्जनगण वैष्णव सज्जन माताएं बहने और बेटियों, सबसे पहले मैं विष्णु मंदिर के सभापति उपसभापति और सदस्य को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, जिन्होंने उदारता पूर्वक हमें यहाँ पर कुछ भारतीय वैदिक संस्कृति और ज्ञान के संबंध में भक्ति धर्म के संबंध में कुछ बोलने का अवसर दिया है। यद्यपि हमें तो विश्व में जहां कहीं गया वहां पर बौद्ध मंदिरों में मस्जिदों में भी और चर्चों में भी बड़ा आदर किया गया और मैं वहां पर भारतीय संस्कृति के संबंध में मैंने बोला, किंतु बड़े दुख के विषय है कि जो मेरे शिक्षा गुरु जैसे भक्त वेदांत स्वामी महाराज जी, जिनको मैंने अपने हाथों से समाधि दी, जिनकी बहुत सेवाएं दी, आज इसको उनके मंदिरों में मैं नहीं जा सकता। प्रतिपन मेरी समझ से बोलो सनातन धर्म का पालन नहीं करते उसके पूर्ण रहस्य को नहीं जानते, जहां पर वैष्णव धर्म का वैष्णवों का संतों का भक्तों का आदर नहीं, यहां पर भक्तों के लिए नियम है जो नहीं जा सकते, वहां पर ठाकुर जी भी शायद नहीं जाते हैं, इसलिए वो लोग हमें अनुमति नहीं देते हैं कि वहां जाकर के हमें कुछ भी एक शब्द नहीं बोल सकते। खैर जैसे उन लोगों की इच्छा, मैं सबका शुभ चिंतक हूं, हमारा सनातन धर्म बड़ा उदार है और आज मैं कुछ सनातन धर्म के संबंध में आप लोगों के साथ निवेदन करूंगा। मैंने पहले ही बताया कि मैं इन्होंने मेरा परिचय दिया, मैं वैसा कोई लंबा चौड़ा साधु संत नहीं हूं, मैं सिद्ध महात्मा भी नहीं, मैं सनातन धर्म का एक बहुत उच्च दशम दास बस, मैं डाकिये की भांति सनातन धर्म के विचारों को इधर उधर में पहुंचाता हूं। तो सनातन धर्म ये भारत के अतिरिक्त कहीं नहीं था, भारत में नहीं होता है, भारत प्रकाश में जो सबसे में निरत ज्योतिर्मान तमसोमान ज्योतिर्मय, अंधकार की तरफ मत पढ़ो प्रकाश की तरफ पढ़ो। तो प्रकाश क्या है? तत्व ज्ञान प्रकाश है और तत्व ज्ञान का भी सार है प्रेमा भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, यही भारत का प्रकाश है जो कहीं भी विश्व में भारत के अतिरिक्त नहीं। यदि कहीं कुछ गया है प्रकाश तो भारत से ही गया है, वहां के ऋषि मुनि सब इसका प्रकाश सर्वत्र किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। आज मैं सनातन धर्म के संबंध में कुछ बतलाऊंगा जो हमारे शास्त्रों में वेदों में पुराणों में रामायण में इत्यादि सर्वत्र ये सब चीजें हैं। इससे करके इस युग में तुलसीदास जी ने उन सब का सार हिंदी साहित्य में श्री रामचरितमानस में भी उन्होंने दिया और वे बंद लिए हैं, इसलिए मैं आज कुछ आप लोगों के सामने निवेदन करूँ। सनातन धर्म क्या है?
उसके संबंध में हमारे बहुत से कुछ आजकल कुछ भ्रम फैल रहे हैं। मैं उसका सब कुछ का निराकरण करना और कुछ प्रश्न भी मेरे पास में लिखित रूप में आए हैं यहाँ, मैं उनका भी समय पर मीमांसा करने की चेष्टा करूंगा, उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। पहले मैं साधारण रूप में सनातन धर्म के मूल विचारों को आप लोगों के सामने मैं पहले प्रकट करूंगा। सनातन माने ही होता है सदातन, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में एक समान नित्य रहता है, उसको सनातन कहते हैं। जिसकी कभी पैदाइश हो, जन्म हुआ हो और फिर उसमें परिवर्तन होता हो, वो सब चीजें सनातन नहीं है। इसलिए सनातन को स्वयं कृष्ण ने, रामचंद्र जी ने, रामायण में या गीता में भागवत उन्होंने स्वयं बताया है। सबसे पहले आप लोग इस विषय को जानिए कि हम यह शरीर नहीं है। शरीर में कोई चीज है किंतु शरीर नहीं। क्यों? शरीर का जन्म होता है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे से प्रौढ़ बनते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर शरीर को छोड़ देते हैं। इसलिए शरीर ये नित्य सनातन नहीं है, इसलिए इसका धर्म कभी भी सनातन नहीं हो सकता। इस चीज को समझे बच्चे, जो चीज स्वयं ही नित्य नहीं है उसका धर्म भी नित्य नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं कि एक समय एक ऋषि थे राजा जनक के दरबार में, उनका नाम था अष्टावक्र। आप लोग सभी अष्टावक्र ऋषि का नाम सुने होंगे। टेढ़े मेढ़े अष्ट अंगों से वक्र थे, टेढ़े थे, मुख से टेढ़े, पैर से टेढ़े, हाथ से टेढ़े, गले से टेढ़े, गर्दन से टेढ़े, कमर से टेढ़े, सब टेढ़े मेढ़े चल नहीं पाते थे। किसी प्रकार से राजा जनक के दरबार में कुछ आए, सुना जाए यहाँ पर बड़े बड़े तत्वदर्शी महर्षि लोग ऋषि लोग हैं जो आत्मा की अनुभूति करने वाले हैं। जब दरबार में पहुंचे तो उनको देख करके सारी सभा ठहाके लगा करके बड़ी जोर से हंसने लगी। तो भी लड़कियां टेक करके खड़े हो गए दरवाजे पर और उन्होंने भी जोर से ठहाका मार करके हंसा और लोग और चकित हो गए। ये देखो तो हम लोग किस लिए हंसे, पैर में व्यवहार फटी है, काले करीब करीब नंग धड़ंग, आठ अंगों से वक्र, और फिर भी इनका साहस किए यहाँ पर आकर के इस सभा में राज दरबार में आए। यहाँ बड़े बड़े ब्रह्मर्षि हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं और वहां पर ये चला है। कैसा ये निडर व्यक्ति है, इसलिए महाराज जनक ने हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज आप क्यों हंस रहे हैं, तुम लोग किस लिए हंस रहे? तो हम लोग हंस रहे हैं कि आपके जैसे व्यक्ति आठ अंगों से टेढ़े काले कपड़े नहीं तन पर, पैर में व्यवहार कटी हुई, और आपने यहाँ आने का कैसे साहस किया, इसलिए आपकी निर्डरता पर हम लोग हंस रहे हैं। अच्छा, मैं इसलिए हंस रहा हूं, मैं हंस नहीं रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि मैं बहुत दूर देश से, आप लोग देखते हैं कि हमको चलने में कितना कष्ट हुआ होगा, आया है ना। सुना था कि महाराज जनक के दरबार में सभी परम हर्षि राजर्षि और बड़े बड़े तत्व का दर्शन करने वाले, ब्रह्म तत्व का दर्शन करने वाले ऋषि महर्षि लोग रहते हैं। मैं आया था कुछ सुनने के लिए और कुछ दर्शन करने के लिए, किंतु मैं बहुत दुखित हुआ जबकि आप लोगों को देखा। इस दरबार में मैं देखता हूं कि केवल चमार और मोची बैठे हुए और कोई दूसरा नहीं, लोग सन्न रह गए इनके उत्तर से। आप नहीं देख रहे हैं यहाँ पर जादूगर इत्यादि ऋषि और महाराज जनक और बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग बैठे हैं? नहीं तो मैं तो नहीं देख रहा।
मैं तो चमार जो जूता सिलाई करते हैं वो है, चमड़े का जो कारोबार करते हैं, चमड़ा अच्छा बुरा है ये देखते हैं, हमारे इस शरीर को देखा किंतु हमारी आत्मा को नहीं देखा, हमारे विचारों को नहीं देखा, इसलिए मैं बहुत दुखी होकर महाराज जनक सुनते ही बस झट अपनी गोदी में उनको उठा लिया और अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया और उनको अपना शिक्षक उनके रूप में तात्पर्य क्या, यह शरीर मैं नहीं हूं, आत्मा नहीं है, ये सनातन तत्व नहीं है, इससे इसका धर्म भी कभी सनातन नहीं हो सकता, इसके अंदर में जो आत्मा है मोमई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव हमारा अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, हमको इसको रियलाइज करना है, जानना है, हम स्त्री पुरुष सिंह बाघ भालू सुअर गधे कुकर नहीं, जहां तक प्राणी मात्र है, पौधे तक भी, क्रीपर तक भी, लताएं तक भी, मनुष्य चीटी गंधर्व मनुष्य देवता सब में ये भगवान का पार्ट अंश, ये ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाश, अविनाशी माने नित्य है, न विनाश जिसका विनाश नहीं हो, विनाश इसलिए जीवन जीव मात्र ही भगवान का पार्ट पार्सल और नित्य सनातन है, शरीर नहीं मन भी नहीं, और दूसरा सनातन क्या है, इसका मूल जो अंश है, जिसका अंश है वो जरूर नित्य होगा, नहीं तो उसका अंश कैसे ये सनातन होगा, इसलिए कृष्ण जब कह रहे हैं कि ममई अंश हो हमारे अंश ये जीव सनातन है तो वो कृष्ण भी सनातन है, अहो भक्त नंद गोपुर जगमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, वे पूर्ण ब्रह्म स्वयं ब्रह्म है वो कृष्ण, राम को भी वैसा ही समझिए, ज्ञान अखंड एक सुता माया वश जीव सचराचर, वो भी सच्चिदानंदमय विग्रह है, राम और श्याम में कोई भी अंतर नहीं है तत्व का, केवल लीला का और उनके रस में कुछ थोड़ा सा अंतर है किंतु दोनों एक ही तत्व है, चंद्र की कलाओं जैसे पूर्णिमा को उनको पूर्ण देखेंगे, अष्टमी को आठ कलाएं देखते हैं, ये दोनों अलग चंद्र नहीं है, रामचंद्र द्वादश कला में परिपूर्ण है और कृष्ण चंद्र जी सोलह कला में, इसलिए कोई भी विशेष अंतर नहीं तत्वता, केवल रसगत और शक्तिगत वैचित्र और तारतम्य है, इतना जल्दी दोनों ही समझेंगे किंतु हाँ धीरे 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 भगवान की कृपा से जान सकते हैं, से जाने के देव जनाई, वो जिसको जना देता है संतों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जिसको जना देगा वही जानेगा, इसलिए दो तत्व, एक है परब्रह्म परम तत्व स्वयं भगवान कृष्ण, ये परतत्व की चार सीमा सनातन तत्व है और उनका अंश सनातन है जीव, जो प्राणी मात्र में वृक्ष लताओं वृद्ध चीटी मनुष्य और सब मिलता, ये दो चीज सनातन है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है इसको कहते हैं सनातन धर्म, ये भी नित्य है, दोनों के बीच में संबंध है क्योंकि उसे अंश है ना, इसलिए वो संबंध है क्या, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तर, सेवक और सेव्य का संबंध है, उपास्य और उपासक का संबंध है, यह अभिमान जाय जन भोरे मैं सेवक रघुपत पति मोरे, मैं उनका सेवक हूं वो हमारे प्रभु हैं, इसलिए कृष्ण के साथ में हमारा नित्य एक संबंध है और उनका जो रिलेशन है यही नित्य धर्म सनातन वैदिक धर्म की चरम स्थिति है, वो है प्रेम, दो वस्तुओं में यदि प्रीति न रहे तो क्या होगा, संबंध नहीं टूट सकता, इसलिए दोनों वस्तुओं में एक सनातन
चेतन वस्तु में कोटि कोटि करोड़ों अनगिनित ये जीवात्माएं उनमें चेतन चेतन उसमें परम चेतन है कृष्ण नित्यो नित्यानंद जितने भी नित्य सनातन है उनमें परम नित्य सनातन वस्तु है भगवत तत्व ये कृष्ण या राम। इसलिए इन दोनों के बीच में जो संबंध है इसी को सनातन धर्म कहते हैं। वह क्या है इस पर हम विशेष रूप से हम लोग चार पांच दिन में इसको विवेचन करेंगे। इसमें और शंकाओं का निवारण भी हम करेंगे। और इसको सनातन धर्म कहते हैं भक्ति धर्म कहते हैं इस पर हम संबंध डालेंगे। इसमें बहुत सी चीजें हैं। बहुत से लोग मुक्ति चाहते हैं। बहुत से लोग शरीर के धर्म को भी सनातन धर्म मान लेते हैं। जब वह धर्म जो सनातन धर्म है जब हमारे शरीर के धर्म उसमें कुछ वैसे होते हैं अनुकूल उसको भी मान लेंगे सनातन धर्म। जैसे एक बच्चा स्कूल में गया उसको कुछ पुस्तकें खरीदी कमली पढ़ता लिखता है अभी स्कूल में जाता है और वो छात्र बन गया और एमए पीएचडी डिलीट में जो पढ़ रहे वो भी छात्र हैं किंतु दोनों छात्र एक नहीं है। इसलिए सनातन धर्म को के बहुत सी सीढ़ियां हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बहुत से क्लासेस हैं। और किसी भी धर्म में कोई भी सीढ़ी क्लासेस नहीं है। बस मानो तो मानो में तो काफिर और बले काट दिए जाएंगे। बस उसमें कोई शंका नहीं करो कोई विचार नहीं करो। बस हम कहते हैं वो मानो नहीं तो काफिर बस गले से उतार देंगे। जैसे हमारा मुस्लिम धर्म उसमें कोई भी कोई प्रश्न नहीं। हमारे भारतवर्ष में बहुत से सिख हैं लोग समझ नहीं पाते। वो कहते हैं सनातन धर्म में अरे कितने देवता देवियों की पूजा है कितने भगवानों की पूजा है शंकर की गणेश की और सब देवता देवी की और राम भी कृष्ण भी ये कितने भगवान हैं शंकर भगवान है ये सब कितने बहुत है। नहीं ऐसा नहीं। उन लोगों में कोई प्रश्न का कोई शंका का उत्तर देने का की संभावना नहीं। उनमें बस एक बस ये करो नहीं तो मरो बस एक ही क्लास हमारे से विकास है। जो तामसिक व्यक्ति लोग हैं उनके लिए अलग उपासना है। जो राजसिक है उनके लिए अलग उपासना है। जो सात्विक है उनके लिए अलग उपासना है तात्म में से। और जो निर्गुण इन जगत से ऊपर उठ गए हैं उनके लिए दूसरी एक श्रेणी है। नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। फिर तामसिक व्यक्ति कैसे एकदम ऊपर परमहंस का जो पाठ है प्रेम का पाठ कैसे पढ़ेगा नहीं पढ़ सकता। इसलिए हमारे यहाँ ये सब क्लासेस हैं। उसी के अनुसार आज जगत में यूनिवर्सिटी इत्यादि आप लोग देखते हैं तरह तरह के सोपान से हैं। इसलिए यदि भारतवर्ष में हमारे यहाँ सनातन धर्म में सोपान नहीं होता लोग नहीं उठते। इससे सब लोगों को ये जितने नीचे से सोपान ऊपर तक सब सनातन धर्म के अंतर्गत है। सब सीढ़ियां ये सब पहुंचने के द्वार है। उसमें राम कृष्ण ये सब अलग अलग नहीं है। वो लोग बेवकूफ है जो नहीं समझते हैं राम कृष्ण नृसिंह बल्कि बामन ये सब भगवत तत्व है। चंद्र की कलाएं तृतीया चतुर्थी और पंचमी अलग अलग चंद्र नहीं है। एंग्लो ब्रिटेन से वो देखते हैं ये चंद्र ये तो बहुत तरह के नहीं है। एक ऐसा जगह है वहां पर पहुंच जाने के बाद विमान से पहुंचे वहां पर सब समय पूर्ण ही पूर्णिमा है। ये तो पृथ्वी के घूमने से चंद्र के घूमने से सूर्य की छाया से पढ़ने और नहीं पढ़ने से ये कलाएं दिखती हैं एक ही में। ऐसे ही कृष्ण भी सभी कलाएं देखते हैं। एक चांस कला अनुसार कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण ही भगवत्ता की चरम सीमा है। उसी में सब राम कृष्ण और राम नारायण विष्णु सभी दिखते हैं। एक ही तत्व है उपासना के तारतम्य से ये भेद दिखते हैं अलग अलग नहीं है। यदि कोई उपासना की तार यदि ऊपर में पहुंच जाए तो राम को ही कृष्ण के रूप में देखेगा। कोई उपासना की दृष्टि से कृष्ण को भी राम के रूप में देखेंगे। जब मर्यादा का पालन करते हैं जगत में शिक्षा देते हैं
तो वही कृष्ण ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और वही प्रेम की लीलाएं जब करते हैं इससे ऊपर मर्यादा से ऊपर करके तो वो लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, कोई नहीं अंतर। और देवताओं देवियों की रही बात, उनकी उपासना किए बिना आप लोग कैसे, अरे पहले घर में अपने देवता को माता पिता का तो आदर करना सीख, पहले तो परमेश्वर तुम्हारे वही है, माता पिता को ही अपना पहले गुरु समझ और उनका आदर करना यही से सीख, फिर आगे आगे बढ़ो। देवताओं में जो उपासना जो तामसिक है, मांस भक्षण इत्यादि करते हैं या और चीजें जिनमें है, वो कभी भी कृष्ण की राम की आराधना नहीं कर सकते, इसलिए उनको सहज उपासना जैसा अधिकार है। अच्छा देवता देवियों को उपासना करो, ये भी भगवान की उपासना है, क्योंकि गीता में भी ऐसा कहा गया। क्या वो नहीं, जे पान का देवता जनते श्रद्धा में कंते, जो लोग श्रद्धा पूर्वक दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी भी पूजा करते हैं, किंतु थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि जरा अविधि पूर्वक मेरी पूजा हो गई। अविधि पूर्वक मैंने कैसे, जैसे कोई पेड़ है गुलाब का पौधा है उसकी जड़ में पानी देने से चारों तरफ पहुंच जाए, उसमें पत्तियों में देने की जरूरत नहीं है, जब पत्तियों में देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, पत्तियां सड़ेंगी फूल भी सड़ जाएंगे, नीचे जड़ में तो समस्त जगत की जड़ भगवान है, उनकी देव करने से देवताओं को भगवान की शक्ति का प्रवेश समझो, जगत के कल्याण के लिए देवताओं हैं, ये भगवान की शक्ति से जगत का कल्याण कर रहे हैं, उनको यथाजोग्य सम्मान दो, नहीं देगा तो भगवान को सम्मान कैसे देगा, इसलिए यथाजोग्य उनका निरादर मत करो, किंतु वो भगवान कृष्ण है ऐसा नहीं मत समझो, नहीं तो अपराध हो जाएगा। कोई भी देवता देवी भगवान नहीं, कहीं कहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश को ये गुणा बता कहा गया, उसमें बहुत समझने के तत्व हैं, मैं इसको अच्छी तरह से आप लोगों को समझा जाऊंगा, क्योंकि कहीं गलत न हो जाए आप लोगों के विचार। शंकर जी विष्णु तत्व जहां पर है वो सदाशिव कहलाते हैं, वो विष्णु तत्व उनसे भी उनका कोई नहीं, ब्रह्मा जी गुरु के रूप में है, उनमें और शंकर जी में भगवान के गुण प्रवेश करके जगत का सृजन कराते हैं और उन्हीं से वंश कराते हैं, वो भी मान्य है, किंतु उनका गुण उसमें है, इसलिए शंकर जी ने, शंकर जी जहां भी देखेंगे राम सीता या कृष्ण को अपना आराध्य देव समझते हैं, सब समय राम 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 जपते हैं। इसे तुलसीदास जी ने भी कहा है कि शंकर गुरु रूपिणो, गुरु के रूप में देखा, ये लोग कृपा करने से राम या कृष्ण के चरण में भक्ति होगी, वृंदावन में देखेंगे वो गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है शंकर, और वही शंकर जी राम की सेवा करने के लिए हनुमान बने हुए हैं, हनुमान दूसरे नहीं है, ये शंकर जी उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा समझिए, इसलिए वो इतने ज्ञाता है भगवत तत्व के कि भगवान से अभेद है, इसीलिए उनको हरिहर एक आत्मा कहा गया। इसलिए यदि शंकर का शंकर को की का हम अनादर करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान हमारी आराधना को ग्रहण नहीं करेंगे, और शंकर द्रोही मम भक्त कहावा ये भी नहीं होगा, और मम द्रोही शंकर जी भी नहीं लेंगे, इस चीज को समझिए अच्छी तरह से, इसलिए उनको गुरु मान करके जैसा तुलसीदास जी ने कहा है, जैसे व्यास जी ने उनको दिया है, इस तरह से मान करके चले, तब धीरे धीरे हम सनातन धर्म के विचार को समझ सके। एक बात और समझेंगे, मैं पीछे बतलाऊंगा अच्छी तरह से, कोई भी व्यक्ति राम या कृष्ण नहीं बन सकता, जहां पर है सिया राम मैं सब जगह जानी करो प्रणाम जोर जो पानी, सिया राम मैं सब जगह जानी, सिया राम सब जगह जानी नहीं कहा, इसको समझिए अच्छी तरह से, सिया राम मैं का अर्थ क्या है, अधिकता से आनंद की अधिकता से, जहां पर
राम है, जैसे जन्म आया जब मैंने कहा पढ़ाई और सब रुक रुक गया। अभी अभी कुछ दिन पहले, दो चार दिन पहले गया आया तो हमने देखा जी पूजा जी के घर काम उसमें फैक्ट्रियों में पानी घुस गया है इतना इतना, और बहुत कई तो 12-13 फुट पानी चढ़ गया है, वहां पर पेड़ पौधे डूब गए हैं, मिट्टी भी डूब गई है, तो सब क्या पानी हो गया? ये जल में हुआ, कोई भी पानी नहीं बना। लोटा को पानी में डुबा दीजिए वो पानी नहीं हुआ, उसका अस्तित्व है। उसी तरह से जिस जीव में भगवान की भक्ति होती है वो सर्वत्र भगवान कृष्ण को देखता है, इधर उधर जितने भी सर्वत्र सब में भगवान को देखता है, किंतु सभी भगवान है ऐसा नहीं देखता, यह मायावाद हो जाएगा, अपराध भगवान के चरण में। काकुसुम जी भगवान का तत्व जाने, कभी राम बन गए? शंकर जी कभी बने हैं? अरे स्वयं सीता जी लक्ष्मण भी तो राम नहीं बन सके, और भी तो बात है, भरत प्रेम की सीमा है, वो भी नहीं राम बन सके, राम के साथ समय सेवक रहे, इसीलिए कहा सेवक सिद्ध भाव। केवल प्रभु कृष्ण ही या राम ही सबके सिद्ध हैं, बाकी सब उनके सेवक तत्व है, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति ब्रह्म बन करके ब्रह्म नहीं बन जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि शिव अहम करते हैं शंकर जी को उपासना, ये उपासना नहीं है। इसलिए देवी दुर्गा जी उसका मुंड माला काट करके पहनती हैं, हैं? कल तक तू मुझे मां मां करता था, और तुम जब शिव शिव बन जाएगा, शिव अहम हो जाएगा, तो मैं तेरी मां मां बनेगी। आ रहा है समझ में? कल तक तू मां थी, और तुम शंकर बन जाएगा तो तुम्हारी स्त्री बन जाएगी। इसलिए उनका गला गला काट देती है और उसका मुंड माला पहनती है। इसलिए खबरदार शिव अहम शिव अहम मत कहेंगे, ब्रह्माष्टमी ब्रह्माष्टमी में नहीं कहेंगे, ब्रह्म वही है, कृष्ण है, राम है, ये सब ब्रह्म है, उनको ब्रह्म कहिए, आप ब्रह्म मत बनिए। मुक्ति में जीवन में मिलकर के एक हो जाएगा, नहीं होगा, ये सब सनातन। इसलिए जीव और भगवान का परस्पर जो संबंध है नित्य सनातन है, वह प्रेम है या प्रेम ही सनातन है। जब तक वहां पर हम नहीं पहुंचते हैं तब तक नीचे की सीढ़ियां जिस हाथ से आरंभ करते हैं उसको भी सनातन धर्म का है। जैसे महाराज हरिश्चंद्र हैं, दधीच जी हैं, और लोग हैं, हमारे ध्रुव जी हैं, ध्रुव ने राज्य के लिए भगवान की आराधना की, भगवान की आराधना करना तो सनातन धर्म है, किंतु उन्होंने किस लिए किया? अपने स्वार्थ के लिए, राज्य के लिए किया, इसलिए ये भक्ति और प्रेम नहीं है। इस चीज को समझे, ये सनातन धर्म का एक बहुत निचला अंग है, तभी इनको भी सनातन मिले दिया। अभी आपको ब्रह्मचारी जी आपको तो सुनाएंगे संक्षेप में, इसके बाद फिर मैं इस विषय का आऊंगा, ये समझाएंगे कैसे और की तो बात क्या। व्यास देव जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, इनके गुरु नारद जी हैं, नारद जी को साधारण मत समझेंगे। हमारे यहां दो महाकाव्य है या प्रमाणिक ग्रंथ है, एक रामायण और एक श्रीमद् भागवत। रामायण में ये जो वाल्मीकि रामायण या तुलसीकृत रामायण और भागवत में अंतर नहीं है, बल्कि तुलसीदास जी ने श्रीमद् भागवत का ही अनुवाद ये किया है, श्लोक एकदम यथा उसमें अर्थ दिए हैं। वाल्मीकि रामायण का तो कहिए नहीं, तुलसीदास जी ने आदर करके उसके समस्त तत्वों को लिया है, जितना उनका लीला तत्व है। इन दोनों में ही देखेंगे, नारद जी व्यास के भी गुरु हैं और इधर वाल्मीकि के भी गुरु हैं। जितने भारतवर्ष में बड़े बड़े ऋषि महर्षि हो गए हैं सबके गुरु आदि गुरु हैं कौन? ये नारद। उसी नारद जी के हम गुरु परंपरा में हम लोग अवस्थित हैं, ब्रह्मा जी, इसके बाद में नारद जी, इसके बाद में व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, मध्वाचार्य, इसके बाद में धीरे धीरे माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी बाद, और उसी में चैतन्य महाप्रभु हुए, उनसे स्वरूप दामोदर राय रामानंद रूप सनातन और उन्हीं की परंपरा में आज हम लोग अवस्थित हैं। इसलिए प्रारंभ से गुरु परंपरा के माध्यम से यह वैदिक संस्कृति और ज्ञान सनातन भक्ति धर्म हम लोग में चला रहा है, यह प्रमाण है, ये सनातन धर्म है। अभी आपको बताएंगे
ये व्यास जी ने वेदों का विभाग किया, उन्होंने उसका सार संकलन करके वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र की रचना की, उसका अर्थ उन्होंने महाभारत में लिखा, पुराणों में प्रकाश किया और गीता इत्यादि जिसने सम्मिलित है वैसा महाभारत भी उनकी भी रचना है, पुराण उन्होंने बनाए, तो भी उनको उनके हृदय में शांति और सुख नहीं है, उनको सोच रहे हैं कि आज क्यों मैं कुछ अशांत हूं, इतना करने की बात, इतने नारद जी कैसे आए और कैसे संवाद हुआ और कैसे श्रीमद् भागवत की रचना हुई, आप ब्रह्मचारी जी से मुख से सुने और इसके बाद में फिर मैं अंत में कुछ बोलूंगा।